माय चैनल हेल्दी होम रेस्टो। आज हम बनाएंगे आलू चाट, जो कि बहुत कम टाइम में बन जाएगा, बहुत टेस्टी भी लगता है। शाम को कभी कभी क्या होता है कि कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है, तो तुरंत आप निकल के मार्केट नहीं जाना चाहते, तो मार्केट के जैसे आज हम बनाएंगे घर पे आलू चाट। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाट का मसाला बनाना है, तो मैं मसाला आपके साथ बनाऊंगी, तो एक बार आप भी देख लेंगे। और अगर ये मसाला बना के हम रख देते हैं तो हमारा मसाला स्टोर हो जाता है, तो कभी भी अगर बनाने का मन होता है तो इजीली बन जाता है कम टाइम में। तो सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मसाला थोड़ा सा भुनना पड़ेगा, हल्का सा सौते करना है, तो इसको मैंने रख दिया है गैस पे। तब तक ये धीमे धीमे हो रहा है, गर्म हो रहा है, तब तक मैं क्या करती हूँ बता देती हूँ आपको। चाट मसाला के लिए क्या चाहिए, ये मैंने लिया है 2 पिंच हींग लिया है, और 1 टीस्पून सौंफ है, साबुत सौंफ है, और 1/2 टीस्पून ये अजवाइन है, साबुत अजवाइन है, और ये काली मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 2 चम्मच जो होता है उसे साबुत धनिया है, और 2 चम्मच साबुत जीरा। इन सब मसालों को हल्का सा हमें सौते करना है। अभी पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं, एक साथ ही डाल देंगे इसको। डाल के अभी डालते ही भीनी भीनी खुशबू आने लगी है मसाले की। बस कुछ सेकेंड के लिए हम इसको भुनेंगे, फिर इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। और इसको मोटा, इसको दरदरा पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं, इसको पाउडर बनाना है। कुछ सेकेंड के लिए मसाले को मैंने भून लिया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। गैस को भी हम बंद कर देंगे, और इसको छोटा सा मिक्सर जार में जो चटनी वाला होता है इसमें हम निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे इसको हम दरदरा पीस लेंगे, बस मिक्सर को 1-2 बार घुमाना है ताकि मोटा चाहिए होगा। तब तक हम क्या, जब तक ये अभी थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के लिए 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे। और फिर आगे का हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेम पैन इस्तेमाल किया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया फुल फ्लेम पे। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना रिफाइंड लेना हो या मस्टर्ड। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने करीब 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। इसको खूब अच्छे से गर्म कर देना है। चाट का मसाला मैंने बना लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये मोटा ही है, दरदरा जो होता है इससे खुशबू और जो टेस्ट दोनों बहुत सही लगेगा। ये मसाला हमने रेडी कर दिया है। अब इसके लिए मैंने जो तेल चढ़ाया था अभी गर्म हो गया है, थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे स्लो कर देंगे। यहाँ पे 3 उबले आलू हैं, तो इसको मैंने ऐसे टुकड़े टुकड़े में, 1 आलू में 4 टुकड़े करके ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हम तेल में डालेंगे, और इसको क्या करना है, इसको हमें फ्राई करना है, तब इसको ढकना नहीं है नहीं तो ये गलने लगेगा। इसको हमें कुरकुरा बनाना है, क्रिस्पी बनाना है एकदम, तो इसको मीडियम करके गैस फिर थोड़ा सा स्लो करके, ताकि नीचे से ये पकड़े भी नहीं और अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें इसको फ्राई करना है। आलू जो है लगभग 5 से 7 मिनट हुआ, मैंने गैस को थोड़ा सा मीडियम किया था, फिर अभी फुल फ्लेम पे कर दिया है। अब गैस को भी यहाँ बंद कर देंगे। कलर आप देख सकते हैं, कलर ब्राउन हो गया है और क्रिस्प भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे करने पर पूरा जो फट से आवाज़ आती है वो हो रहा है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को मैंने प्लेट में निकाल दिया है, कलर और क्रिस्प दोनों बहुत अच्छा आया है, और पूरा मतलब देख के भी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ठंडा करेंगे, फिर इसमें हम आगे का मसाला डालेंगे। आलू ठंडे हो गए हैं, तो आलू को अभी मिश्रण लगाते समय हमें थोड़ा सा ऐसे गहरा बर्तन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, और ये जो आलू मैंने क्रिस्पी तले हुए हैं वो अब इसमें डाल देंगे। ये आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रही है, मतलब आलू अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, तो इसमें ये डाल देंगे। और इसके बाद से हम इसमें डालेंगे 1 बारीक प्याज, मैंने काट के रखा हुआ है, बहुत बारीक बारीक चाहिए, वो डाल देंगे। और यहाँ पे 2 हरी मिर्ची है, इसको भी बारीक करके रखा हुआ है, तो मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डालें, और फिर से मिर्ची निकाल देंगे तो मिर्ची मुँह में ही आएगा बच्चों। और ये धनिया की पत्ती है, कुछ मैंने इसे धनिया की पत्ती काट के रखी है, इसको थोड़ा सा इसमें हम मिला लेंगे। अब इसके आगे हम करेंगे जो मसाले मैंने बनाए हैं चाट मसाला यहाँ पे, तो मसाले मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि इस मसाले को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने
दो चम्मच यहाँ पे हम मसाले लेंगे, दो चम्मच मसाले ले लेंगे। अभी इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला था क्योंकि मसाले को रखना होगा, तो अब उसमें मिर्च ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक, नमक हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक बहुत कम लेंगे ताकि जो आलू चाट में है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो नमक अब्जॉर्ब कर सके, तो पहले नमक हम थोड़ा डालेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून चीनी, ये चीनी है, 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे 2 नींबू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो आलू और मसाले को अच्छे से बाइंड अप होने के लिए ये डालना ज़रूरी है। अगर इमली आपके पास है तो आप इमली भिगा के उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पास इमली नहीं है तो इससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको डाल के इसको खूब अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आलू चाट को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है बाउल में, अब इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। आलू चाट को मैंने प्लेट में लगा दिया है, प्लेटिंग कर दिया है। अब थोड़ा सा इस पे डेकोरेट बाकी है, तो ये मैंने एक पापड़ को रोस्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। अगर इसको गैस पे आप करना चाहें तो गैस के भी सेक सकते हैं दोनों साइड से, और पापड़ ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके पास सेव है, जैसे सेव पूरी आता है, वो भी आप इस पे डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हाथ में लेंगे और ऐसे इसे ऐसे चूड़ा की तरह बना लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इसी से हम डेकोरेट कर देंगे। आलू चाट बन के तैयार हो गया है, ये बहुत ही यम्मी होता है और छोटी मोटी भूख के लिए शाम के लिए तो बेस्ट है स्नैक्स में। तो आलू चाट को आप बनाइए घर पे और खाइए, और कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट डाल सकते हैं, और लाइक करिए मेरे वीडियो को और शेयर करिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।